नमस्कार, मैं हूं तनुज उर्वानी और आप मुझे देख रहे हो एक्सक्लूसिवली नव भारत टाइम्स पर। आपका स्वागत है और शुभकामनाएं। नई वेब सीरीज आई है कार्टेल, आपके शब्दों में जा रहा है। नहीं, अच्छा अच्छा ओके। जी, कार्टेल के बारे में मैं कहाँ से शुरू हो जाऊँ, बिकॉज मैं इस प्रोजेक्ट पर ऑलमोस्ट 2.5 साल से काम करते आ रहा हूँ। कोविड के शुरू होने से पहले और फिर कोविड के दौरान भी हमने इस पर बहुत सारा काम किया है। ये एक बहुत बड़े बजट की, बड़े वेल एस्टैब्लिश लोगों के साथ बड़े स्केल की एक शो है। इनफैक्ट जब हम सेट पे इसके लिए शूट करते रहते थे तो हम जो मस्ती मजाक में बोलते थे कि यार ऐसे लग रहा है कि हम वेब सीरीज़ के लिए कोई मुगले आजम जैसा शो बना रहे हैं, नो बिकॉज ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इट वॉज क्वाइट अ डॉन्टिंग एफर्ट। मैं पर्सनली इस शो को लेकर बहुत ही एक्साइटेड हूँ, बिकॉज आज तक मैंने अपने करियर में ऐसा रोल अटेम्प्ट नहीं किया है। मेजर भाव ए के अर्जुन मात्रे जिनका किरदार मैं निभा रहा हूँ, ये एक बड़ा ठहराव वाला बंदा है, ज़्यादा बातें नहीं करता है, सोचता ज़्यादा है, एक्स आर्मी मैन है, इस क्राइम सिंडिकेट फैमिली का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। इनके जो दो भाई हैं जो जीतू और ऋत्विक निभा रहे हैं, तो बहुत मज़ा आया ये रोल प्ले करने में। चैलेंजिंग था, फिजिकली भी चैलेंजिंग था, इमोशनली मेंटली भी चैलेंजिंग था। तो आई होप कि जब 20 तारीख से ये स्ट्रीम होने जा रहा है ओल्ड बालाजी और MX गोल्ड पर, तो लोग इसे पसंद करेंगे ताकि हम आगे जाकर शायद और भी इसके सीजन्स बना पाए। अच्छा, मैं कह रहा था कभी कभी कोई कोई किरदार हमारे अपने निजी लाइफ से भी कहीं मैच करता है, कहीं पर मिलता है, हालांकि बिल्कुल डिफरेंट है। जी, कभी हो सकता है सोच में भी मैच करता हो, जी कहीं मिलता है तन उससे। आई फील कि मेजर भाव और पर्सनली मुझ में सिर्फ एक सिमिलैरिटी है कि वी आर बोथ वेरी क्लोज टू आवर फैमिली। कार्टेल, अगर आप गैंगस्टर ड्रामा एक्शन थ्रिल ये सब निकालोगे तो एट इट्स कोर ये एक फैमिली की कहानी है, और आप अपने फैमिली के लिए किस हद तक जा पाओगे या नहीं जा पाओगे। तो सिमिलरली फॉर मी ऑल्सो इन रियल लाइफ, मैं एक लौता बेटा हूँ, मैं सिर्फ अपने मॉम और डैड के साथ रहता हूँ, तो ऑब्वियसली आई एम वेरी वेरी क्लोज टू माई फैमिली। सो आई थिंक दैट इज़ द ओनली सिमिलैरिटी मुझ में और मेजर भाव के बीच में। एक कैरेक्टर जिसके साथ आपको स्विच करने का मौका मिले तो आप कर सकते हैं आसानी से? आसानी से आई फील एज फैक्टर की वजह से, और वो एक नर्वस एनर्जी और चंचल की वजह से परहैप्स अभय, यानी कि ऋत्विक के कैरेक्टर के साथ। बट अपार्ट फ्रॉम दैट नो, आई डोंट थिंक कि आई मीन मैं इन लोगों के कैरेक्टर्स तो प्ले नहीं कर पाऊंगा, तो आई फील प्रॉबेबली ऋत्विक। बहुत सारे जब लोग होते हैं सेट पे तो एक अलग तरह की दोस्ती भी बनती है। जी, मैंने ऋतिक के साथ आपकी दोस्ती देख ली है, तो अब आप ऋतिक का नाम ले लेंगे, उससे पहले बोलता हूँ ऋतिक को छोड़ दीजिए, वो हमने देख लिया, मैं दिखा भी दूंगा कैमरे में। किसी और के साथ जो हम उम्र भी ना हो लेकिन आपके साथ उनकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग रही और उम्र भर रही है। टू बी ऑनेस्ट, इस सेट पर कैरेक्टर्स और एक्टर्स को इतने अच्छे तरीके से चुने गए हैं, और 2 साल के बाद जब आप स्पेशली आप एक पैंडेमिक के दौर पे आप शूट करते आ रहे हो, तो यू बिकम मोर प्रोटेक्टिव ऑफ ईच अदर। आप सचमुच में एक परिवार जैसे ही बन जाते हो, तो बड़ी सिक्योरिटी है सेट पर, और मेरे संबंध सबके साथ अच्छे हैं टू बी ऑनेस्ट, चाहे वो जीतू हो या सुप्रिया जी हो, मोनिका हो, तनिष्ठा हो, इतने सारे हो, खान साहब जो यहाँ पर है, इतने सारे दिव्या, इतने सारे एक्टर्स हैं, तो आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप हर एक एक्टर के साथ एक वन ऑन वन इक्वेशन इस्टेब्लिश करें, बिकॉज फाइनली शूटिंग स्टार्ट होने से पहले, इनफैक्ट इसी कमरे में, बिकॉज हम यहीं पर अपने रीडिंग्स करते थे शूटिंग से पहले, तो हम तीनों भाइयों ने तय किया था कि भाई ये हमारा शो है तो हमारा फ़र्ज़ बनता है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक दिस इज़ आवर होम यू आर कमिंग टू, तो आप हमारे मेहमान हो, तो वी वॉन्ट टू मेक श्योर कि जब आप आए हमारे सेट पर आपको अच्छा लगे, कम्फर्टेबल लगे, काम भी अच्छा हो, तो वी वेंट आउट ऑफ वे टू मेक श्योर कि हमारी दोस्ती सबके साथ बरकरार रही। सुप्रिया जी के साथ कैसी बॉन्डिंग थी? उनके साथ बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, देखने को मिला होगा। जी जी, एक्चुअली जब मुझे पता चला कि माई का कैरेक्टर सुप्रिया जी निभाने वाली, तो मैं बहुत ही खुश था, बिकॉज मैं कई सालों से उनका बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ, आई थिंक फ्रॉम द रामलीला डेज, एंड ट्रस्ट मी, नथिंग कैन प्रिपेयर एनी न्यू एक्टर जब वो आपके साथ रियल लाइफ में फ्रेम में खड़ी हो, बिकॉज कुछ एक्टर्स की एक अलग ऑरा, एक अलग एनर्जी ही होती है, एंड आई डेफिनेटली फील सुप्रिया जी ब्रिंग्स दैट। उनके साथ काम करने में तो मुझे बहुत मज़ा आया, वो बहुत ही सपोर्टिव थी, बहुत ही पेशेंट थी, अगर उन्हें लगा कि
कहीं ना कहीं एक शॉट में या एक डायलॉग में मैं चूक गया या यू नो अगर डायरेक्टर ने टेक को ओके भी कर लिया हो बट अगर उसे लगा कि नहीं यू नो तनुज यू कैन बी बेटर देन दैट तो शी वुड रिक्वेस्ट द डायरेक्टर कि हाँ हम एक और करते हैं फॉर लव एक और करते हैं एंड आई रियली रियली रिस्पेक्ट दैट बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जब आपके प्रोजेक्ट्स आपके शोज़ रिलीज होके ऑडियंस के सामने आ जाती है तो नो वन लुक्स एट द एनजी टेक सब सिर्फ देखेंगे कि ओके टेक क्या था उसमें आपने क्या किया आपने अपने कैरेक्टर को जस्टिफाई किया जस्टिस दिया या नहीं दिया सो आई रियली हैड अ ब्लास्ट वर्किंग विद हर और उन्होंने कभी हमें ऐसे महसूस नहीं होने दिया कि शी वो इतनी सीनियर एक्टर है और हम रिलेटिव न्यू कमर्स हैं तो वो क्वालिटी मुझे बहुत ही पसंद आया उनमें अरे मुझे बताइए कि कातिल जैसी कोई चीज क्या बॉलीवुड और टीवी या वेब की दुनिया में एग्जिस्ट करती है मतलब यहाँ पर ऐसा काम के दौरान क्या कातिल किसी को किया जा सकता है मतलब यू नो डेफिनेटली नॉट आई मीन सी क्राइम फैमिली ड्रामास ये सब ऑफकोर्स बनते जाते हैं यू नो इट इज़ ऑलमोस्ट अ श्योर शॉट रेसिपी फॉर सक्सेस बट हैविंग सेड दैट कार्टेल जैसा शो आई डोंट थिंक कि एटलीस्ट हमारे देश में आज तक बना है यू नो बिकॉज अगर आप इससे पॉलिटिक्स और लैंड माफिया प्रॉपर्टी किलिंग्स वायलेंस ये सब निकाल भी दो तो इट्स अबाउट फैमिली और ये बहुत ही यूनिक और एक डिसफंक्शनल फैमिली है जो सम हाउ मैनेजेस टू वेल लिव टुगेदर एंड किल टुगेदर तो हाँ आने वाले दिनों में और कहाँ कहाँ नजर आएंगे हम लोग जानते हैं लेकिन फिर भी जी तो कार्टेल के बाद मेरे ख्याल में मेरी नेक्स्ट रिलीज होगी अमेज़न प्राइम की इनसाइडर सीजन 3 फिर और बालाजी के लिए मैं एक और शो कर रहा हूँ कोडम सीजन 2 वो जेनिफर विंगेट के साथ में है तो आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दैट एज वेल वूट के लिए इलीगल सीजन 2 जिसमें नेहा शर्मा पीयूष मिश्रा अक्षय ओबरॉय पारुल गुलाटी शिवा चड्डा काफ़ी सारे मशहूर कलाकार हैं तो दैट्स ऑल्सो क्वाइट डिफरेंट फॉर मी के सर के साथ हॉटस्टार के लिए एक शो है मुर्शिद करके उसमें मैं एक पुलिस ऑफिसर का रोल निभा रहा हूँ अभी मैंने एक फिल्म कंप्लीट करी है जॉनी जंपर करके जिसमें विजय राज ब्रिजेंद्र कालरा जाकिर हुसैन है जरीना भाब है तो वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट तो ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं बैक टू बैक अभी इसके बाद 2-3 और प्रोजेक्ट्स हैं बट मेरी मैनेजर इधर बैठी है तो अगर मैं उनके बारे में ज़रा सा भी बात करूँगा तो वो मुझे घूर के देख रही है कि मत बोलो अभी तक अनाउंसमेंट आई नहीं है तो चुप बैठो बट और सारे प्रोजेक्ट्स हैं तो गॉड विलिंग 2021-2022 भी एक अच्छा साल रहेगा मेरे लिए प्रोफेशनली स्पीकिंग